हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट नॉलेज। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंपल प्रोग्राम ऑफ 8051। सो व्हाट इज़ द प्रोग्राम? सो द प्रोग्राम फॉर द टाइमर ज़ीरो, मतलब जो हमारा प्रोग्राम है वो टाइमर ज़ीरो के लिए है। टू क्रिएट अ पल्स विड्थ, मतलब हमको एक पल्स विड्थ क्रिएट करनी है। कितना टाइम के लिए? 5 मिलीसेकंड के लिए। मतलब उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? 5 मिलीसेकंड। तो ये हमको पल्स विड्थ, इतने पल्स विड्थ की 5 मिलीसेकंड के लिए पल्स विड्थ जनरेट करनी है। और किसके ऊपर जनरेट करनी है? ऑन पोर्ट P2.3, मतलब जो माइक्रो का कंट्रोलर के अंदर जो पोर्ट 2 है उसकी 2.3 पिन के ऊपर हमको ये 5 मिलीसेकंड की पल्स विड्थ जनरेट करनी है। तो ये कौन सी पिन है? ये हमारी 24 नंबर वाली पिन है जो आप माइक्रो कंट्रोलर में देखते हो। तो माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम जो आपके पास होता और जो मैं आपको दिखाता हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि 24 नंबर वाली जो पिन है वो P2.3 है। तो अभी आपको क्या करना है? 5 मिलीसेकंड की टाइम पीरियड जनरेट करना है, पल्स विड्थ जनरेट करनी है। और क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या दी है? एज्यूम द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 11.0592 मेगाहर्ट्ज़। तो अभी आपको इसका प्रोग्राम लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं और वो भी टाइमर ज़ीरो का यूज़ करके? तो फर्स्ट आपको क्या करना है, तो पहले आपको दिखा दूँ तो आपको पहले तो टाइमर में वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेगी। तो वो आप कैसे ढूंढ सकते हो? तो पहले हमारी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी कितनी है? XTAL, तो वो मैं लिख डालूँ तो इट इज़ 11.0592 मेगाहर्ट्ज़। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी की निकालने के लिए पहले उसको 12 से डिवाइड कर दें, मतलब जो ये 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ है उसको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है? तो वो हमारा आता है 0.9216 मेगाहर्ट्ज़ आता है। तो अभी उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो अभी टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। टी इज़ इक्वल टू 1/f। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई उसको मैं इधर रख दूँ 0.9216 मेगाहर्ट्ज़। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या डिनोट करेगा? टाइम पीरियड ऑफ दी और टाइम पीरियड फॉर द क्रिस्टल। सो इट इज़ 0.9216 × 10⁶ एंड द इनवर्स ऑफ दिस विल गिव अस 1.085 × 10⁻¹। 1.085 माइक्रोसेकंड, ये हमारा क्या आया? टाइम पीरियड आया। तो अभी ये जो हमने फाइंड किया है उसका यूज़ हम आगे करेंगे। तो अभी हमको क्या करना है? हमें 5 मिलीसेकंड का पल्स विड्थ चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले 5 मिलीसेकंड डिवाइड बाय 1.085 माइक्रोसेकंड, जो हमने टी फाइंड किया है टाइम पीरियड फॉर द क्रिस्टल। तो ये जो डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये डिवाइड करने के बाद हमको नंबर ऑफ क्लॉक मिलेगा 10⁻¹ डिवाइड बाय 1.085 × 10⁻¹। तो हमको क्या मिला? 4608 point something मिल रहा है। लेकिन हम जो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू होती है वो हम नहीं कंसीडर करते, तो इतने हमको क्लॉक्स चाहिए। तो ये हम क्लॉक्स क्यों फाइंड किए? इसका यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं? इससे हम वैल्यू निकालेंगे जो हमको ऐड करनी होगी TH0 और TL0, जो टाइमर ज़ीरो का हम यूज़ करने वाले हैं उसमें जो वैल्यू हमको ऐड करनी रहेगी वो हम इसके ऊपर से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये सब फाइंड किया है। पहले क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप ये, उसको डिवाइड करना है क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी को, उसके बाद उसका टाइम पीरियड निकालना है। और फोर्थ स्टेप हमारा क्या हुआ? जो भी हमारा डिले दिया है, मतलब पल्स विड्थ हमको कितनी चाहिए,
5 मिलीसेकंड की चाहिए, तो 5 मिलीसेकंड डिवाइड बाय इसका जो टाइम पीरियड आया क्रिस्टल का, वो तो हमको इतनी क्लॉक्स मिलती है। तो अभी आगे क्या करना है, आगे हमको कौन से TH0 और TL0 में वैल्यू ऐड करनी है तो वो देखते हैं। तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ये जो है उसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 665,536 में से ये जो वैल्यू आई उसको सब्ट्रैक्ट करना है, 460 है। ये क्यों लिया हमने, क्योंकि ये FFFF जो हमारा काउंटर कितना 16 बिट काउंटर है जो हम लेते हैं हमारा मोड 0 में, और जो हमारा टाइमर रजिस्टर है वो टाइमर 0 टाइमर 1 दोनों 16 बिट है, टाइमर 0 और 1 दोनों हमारे 16 बिट है। मतलब उसमें कितनी वैल्यू लोड हो सकती है, 00002 FFFF। तो ये जो FFFF और 00 ये सब हेक्साडेसिमल में, जो मैं इसका डेसिमल कन्वर्जेशन करूँ तो मुझे कितना मिलता है, FFFH का मैं डेसिमल कन्वर्जेशन करूँ तो मुझे 65,536 मिल रहा है, और 535 मिल रहा है, सॉरी, इसका जो हम हेक्स वैल्यू से डेसिमल में करें तो ये मिलेगा, और उसमें एक प्लस ऐड कर देने का, तो ये जो हमको मिला है उसमें +1 ऐड कर देने का, तो हमको 65,536 की वैल्यू मिलेंगी, और इसको हम इसमें रखेंगे, ये कैसे आया वो। और ये जो आई वैल्यू 4606 एड, उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका सब्ट्रैक्शन हमको कितना मिलता है, 6536 -4608, तो हम ये वैल्यू कितनी आती है, 60928। तो ये जो हमारी आएगी वो किसमें आएगी, डेसिमल में आएगी। अभी हमको इसमें से डेसिमल में से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जेशन करना पड़े, तो मैं चेक कर लेता हूँ इसका हेक्साडेसिमल क्या आता है। तो उसकी वैल्यू आती है हमारी EE00 हेक्स। तो ये जो हमारा आया वो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है, तो ये जो 00 मिला वो हमारे कहाँ जाएगा, TL0 में जाएगा, जो मैंने अभी डिफाइन किया था कि TL0 में क्या ऐड करने का और TH0 में क्या ऐड करने का। तो ये हमारा TL0 में जाएगा, और ये हमारा कहाँ जाएगा, TH0 में जाएगा, जो हम, क्योंकि ये 00 क्यों है, क्योंकि हम टाइमर 0 का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमने क्या किया कि 5 मिली सेकेंड लेने के कारण 5 मिली सेकेंड हमको जनरेट कराना है पल्स विड्थ एट द पिन नंबर 24P2.3 पोर्ट पर। तो उसके लिए कौन सी वैल्यू हमको ऐड करनी पड़ेगी टाइमर 0 में, वो हमने फाइंड किया है। तो ये मेथड है, ये जो 65,035 में +1 ओवरफ्लो के लिए ऐड किया है और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अब तो अभी हम मेन प्रोग्राम की ओर जाते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, किसको क्लियर करेंगे, P2.3। पहले तो स्टार्ट ORG000 हेक्स लिखेंगे फॉर स्टार्टिंग, उसके बाद हम क्लियर कर देंगे, कोई भी गारबेज वैल्यू हो, ये नंबर PIN24 ऊपर कोई भी गारबेज वैल्यू हो उसको हम पहले 0 कर देंगे, क्योंकि उसको हमने क्लियर कर दिया, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मूव टी मोड, और अभी हमको क्या ऐड करना है, टाइमर मोड रजिस्टर है उसमें हमको क्या ऐड करना है, हमको क्या करना है, उसको टाइमर 0 है और हमको किस मोड में यूज़ करना है, मोड 1 में यूज़ करना है। तो आपको उसकी कंस्ट्रक्शन पता होगी, जो टी मोड रजिस्टर की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, ये जो 4 बिट होते हैं अपर 4 बिट 4 टाइमर 1 के लिए होते हैं, और जो लोअर 4 बिट होते हैं वो टाइमर 0 के लिए होते हैं। तो इसमें 4 होता है, 1 2 3 4, इधर गेट आता है, इधर C/T bar आता है, इधर M1 M0, सेम इधर वही आता है, इधर गेट आता है, इधर C/T bar, इधर M1 आता है, इधर M0 आता है। तो अभी आपको क्या करना है, टाइमर 0 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में टाइमर 0 लिया है, और मोड 1, तो मोड के लिए आप क्या करते हैं, मोड 1 मोड 0, 0101 00001। तो ये जो आया फॉर मोड 0, ये जो आया फॉर मोड 1,
दिस इज़ फॉर मोड 3 एंड दिस इज फॉर 0, 1, 2, 3 मोड 0, मोड 1, फॉर मोड 2 एंड फॉर मोड 3। तो इधर हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइमर 0 यूज़ कर रहे हैं तो लोअर फिर बिट यूज़ करेंगे, और मोड 1 है तो मोड 1 इधर 0 और 1, तो ये 0 और 1 और बाकी सब 0 आएंगे। ये क्यों 0 आएगा, क्योंकि हमारा टाइमर सी ऑब्लिक टी बार जब 0 होता तो हम टाइमर के तरह यूज़ करते हैं, और सी ऑब्लिक टी बार 1 होता है तो वो काउंटर मोड के लिए यूज़ होता है। तो अभी तो हम टाइमर मोड के लिए यूज़ करते हैं तो इसको 0 रखते हैं। सेम गेट 0, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल हार्डवेयर से इनपुट नहीं आ रहा है, ये सब 0 क्योंकि हमने टाइमर मोड का यूज़ ही नहीं किया। एग्जाम्पल में क्या दिया है हमको, अब डेटा में क्या दिया है कि टाइमर 0 का यूज़ करना है, तो इसीलिए हम ये वैल्यू इसमें ऐड करेंगे। तो इधर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 01 हैक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये 1 होगा और ये 0 होगा, 8421, 8421। तो ये जो 1 आएगा और 0, मतलब 01 हैक्स हमने किस में ऐड कर दिया, टी मोड रजिस्टर में ऐड कर दिया। अभी आगे करते हैं, तो आगे हमको क्या करना है, अभी हमको लोड करना है कौन सी वैल्यू, ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसको हम लोड करेंगे, किस में लोड करेंगे, TH0 और TL0 में लोड करेंगे। तो पहले TL0 लोड करते हैं, वो क्या आया हमारा 00 आया। उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, TH0, तो वो हमारा क्या आया, EE हेक्स आया। तो ये हमने लोड कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे हमारा सेट करेंगे, सेट बीट P2.3। ये सेट बीट पॉइंट 2.3 क्या करता है, ये पिन को सेट करता है, जो 20 नंबर की पिन है। मतलब पहले कोई भी, पहले हमने क्या किया, क्लियर किया, ये जो स्टार्टिंग में क्लियर किया, मतलब जो भी पोर्ट 2 पे इनपुट होगा, मतलब जो पोर्ट 2 पे आउटपुट आएगा वो 0 हो गया, क्योंकि हमने पहले क्लियर कर दिया, ये जो प्रोग्राम में पहले ही लिखा है। उसके बाद हमने क्या किया, सेट किया, मतलब 1 किया उसको, तो 1 मतलब उसको 1 किया, पहले 0 था, क्लियर करके 0 किया, बाद में सेट करके उसको 1 कर दिया। तो पहले हमने उसको 1 कर दिया, अभी उसको हम 5 मिली सेकेंड के लिए ऑन रखेंगे। तो ये आपको पता चल गया होगा क्यों सेट किया, पहले हमने क्लियर किया बाद में सेट किया, ये क्लियर हुआ और बाद में सेट हुआ, तो ये आपको पता चल गया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेट बीट TR0। ये TR0 क्या करता है, ये हमारे टाइमर को, टाइमर 0 जो हमने सिलेक्ट किया है उसको ऑन करता है। तो सेट बीट TR0 करते ही हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। तो अभी टाइमर ऑन हुआ, मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू हो रही वो लोड हो गई। तब टाइमर तो 0002FFFF ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी ये वैल्यू ऐड कर, हमने EE00 वैल्यू ऐड करके रखी है, तो अभी इंक्रीमेंट होगा। EE0 से EE01, 02, 03, ऐसे वो अप टू कहाँ तक जाएगा, FF तक जाएगा, और FF तक जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो होके क्या हो जाएगा, 0000 हो जाएगा। तो ये जब ओवरफ्लो होगा तब क्या होगा, टाइमर फ्लैग 0 था वो सेट हो जाएगा। तो इसी के कारण हम देखते हैं, मतलब ये जो इधर से EE0 जो हमने ऐड किया है उधर से FF तक जाएगा, उतने ही टाइम में हमारा 5 मिली सेकेंड जो चाहिए, जो पल्स विड्थ चाहिए वो हमें मिल जाएगा। ये जो पल्स विड्थ 5 मिली सेकेंड के लिए चाहिए वो मिल जाएगा, और FF के बाद क्या होगा, ओवरफ्लो होगा 0000। तो वो हम चेक करते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कि सेट बिट TR0 हमारा टाइमर 0 को ऑन करवाने के लिए करते हैं। उसके बाद तो अभी आपको पता चल गया होगा कि हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि फ्लैग हमारा सेट हुआ कि नहीं, मतलब EE00 से चालू किया और हमको कहाँ तक जाना है, FF तक जाना है। तो इसने इतने टाइम के बीच में हमको 5 मिली सेकेंड का पल्स विड्थ मिल जाएगा, लेकिन जब ये आ गया उसके बाद क्या हो जाएगा, 0000, क्योंकि ओवरफ्लो होगा। ये क्या हुआ, ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो हुआ तो TF
जो हमारा फ्लैग है TF0 फॉर द टाइमर 0 एंड TF1 फॉर द टाइमर 1। तो जो TF0 फ्लैग है जो टाइमर 0 के लिए है वो सेट हो जाएगा। जैसे ही हमारा सेट हुआ है ऐसे ही हमको क्या करना है, स्टॉप कर देना है। हमको 5 मिली सेकेंड का पल्स मिल गया। तो ये जो हमारा सेट, तो हमको क्या करना है अभी, इसको चेक करना है कि वो सेट हो रहा है कि नहीं, सेट हुआ कि नहीं, सेट हुआ कि नहीं। तो उसके कारण एक जंप इफ नॉट बीट सेट JNB इंस्ट्रक्शन TF0, तो उसको क्या जंप कराना है अगेन, मतलब इधर ही जंप कराना है। हमको ये लूप में रहना है। हम देख रहे हैं पहले EE0, पची EE01 होगा, EE02 होगा, अप टू FFF होगा, उसके बाद क्या होगा 00। जैसे ही ये हुआ वो क्या करे, जब तक ये इतने लूप में होगा तब ये इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होता रहेगा होता रहेगा। उसके बाद क्या, जब हमारा 00 हो गया, क्या ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा सेट बीट होने के बाद जो हमने लोड की थी ये वैल्यू, टाइमर जैसे ही ऑन हुआ वो इंक्रीमेंट होगा। जैसे भी टाइमर ऑन हुआ ये जो सेट बीट किया हमने ऐसे ही 00, उसके बाद 01 होगा, 02 होगा, ऐसे वो कितने तक जाएगा, FFFF तक जाएगा। तो इतने टाइम के दरमियान हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिली सेकेंड का पल्स विड्थ मिल जाएगा। मैं ये अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 00 हो जाएगा। जैसे ये 00 हुआ ऐसे हमारा टाइमर फ्लैग 0 अफेक्ट होगा, उसके वो अफेक्ट होगा, मतलब आपको क्या पता चल जाएगा कि हमारा 5 मिली सेकेंड, तो हमको 5 मिली सेकेंड का पल्स विड्थ मिलेगा। तो अभी जंप इफ नॉट बीट इज सेट, जो TF0 इज शॉर्ट सेट नहीं है, मतलब हमारा 00 आया नहीं है, तब तक वो इधर ही जंप करता रहेगा, यही इंस्ट्रक्शन पे जंप करता रहे। लेकिन जब ही आ गया तब उसके आगे वाले इंस्ट्रक्शन को वो ऑन कराएगा, मतलब आगे वाले इंस्ट्रक्शन पर जंप कराएगा। तो आगे वाले इंस्ट्रक्शन क्या है, P2.0, क्योंकि क्या हमने पहले 0 था ये क्लियर किया, उसके बाद 1 किया, कैसे किया ये वाले इंस्ट्रक्शन। तो हमको ये 5 मिली सेकेंड मिलने के बाद उसको हमको 0 भी करना पड़ेगा, तो ये जो P2.3 कर देगा। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, क्लियर TR0, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन हमारे टाइमर 0 को ऑफ करेगा, क्लियर करेगा। और उसके बाद हमारा क्या करना पड़ेगा, क्लियर TF0। तो ये क्लियर TF0 क्यों किया, जो भी हमारा फ्लैग आया था अफेक्ट हुआ था उसको भी हमने क्लियर कर दिया, क्योंकि वो आगे कोई इंस्ट्रक्शन को अफेक्ट ना करे। उसके बाद हॉल्ट। तो ये जो पूरा हमारा जो प्रोग्राम बना ये किसके लिए बना, ये जो हमारा प्रोग्राम बना ये इतना पल्स जनरेट कराने के लिए, वो भी 24 नंबर की पिन के ऊपर इतना पल्स 5 मिली सेकेंड का पल्स विड्थ मिला। हमको 5 मिली सेकेंड का पल्स विड्थ मिलता है ऑन द पिन नंबर 24 बाय यूज़ दिस प्रोग्राम। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, बट आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मेन तो ये दो वैल्यू, ये वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, तो ये उसके लिए ये जो स्टेप्स दिखाए थे मैंने आपको, ये स्टेप्स फॉलो करने रहेंगे। और उसके बाद जो सिंपल, ये आपको कॉन्सेप्ट ही समझना रहेगा, क्यों उसने सेट किया और क्यों उसने सेट पहले क्लियर किया बाद में सेट किया। ये क्लियर किया 24 नंबर की पिन, मतलब जो पिन P2.3 है वो पिन पहले 0 हो गई, फिर सेट हो गई, सेट होके 1 हो गई, और फिर से हमको 5 मिली सेकेंड का पल्स मिल जाने के बाद 0 हो गई। तो ये जो 5 मिली सेकेंड का पल्स कितने टाइम में मिलता है, ये EE00 से लेके FF इतने टाइम के बीच में हमको 5 मिली सेकेंड का पल्स विड्थ मिल जाता है, और उसके बाद 0 हो जाता है। तो वो हमको 0 होना है, मतलब 0 करना है, वो कब पता चलेगा, हमारा टाइमर फ्लैग अफेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इनफाइनाइट नॉलेज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू हैव स्टील एनी क्वेरी जस्ट कॉमेंट इट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई regarding to your comments. And if you want, or if you want to suggest some topic, then you can suggest by use of the comment box. Thanks for watching.